तुम देना साथ मेरा वो हमनवा। अपनी बीवी का हाथ ऐसे ही पकड़ के रखेगा मानव बाबू? वो क्या है ना, इन्हें भागने का बहुत शौक है। साडू साहब, आपके छोटे भाई की शादी आकांक्षा से नहीं हो पाई, इस बात का दर्द आप दिल में, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन क्या है ना, मेरी बीवी के भागने की मुझे जरा सी भी चिंता नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये पूरी दुनिया से भागकर सीधा मेरे पास आई थी, मेरी दुनिया सजाने, अपना घर बसाने। जो अपने ही घर की इज्जत को नीलाम कर दे, वो दूसरों का घर क्या बसाएगी? अक्कू, इनकी बात से अपना मूड मत खराब करना यार, प्लीज। जिन लोगों की सोच खराब होती है उनकी बात से मैं अपना मूड खराब नहीं करती। क्या बात है, गुड गर्ल। अरे सब ठीक तो है यहाँ? फर्स्ट क्लास है दीदी, इतने दिनों बाद सब एक साथ जमा में बड़ा मजा आया। हाँ। आज तो पापा जी की पुण्यतिथि के लिए हम लोग मिल रहे हैं, लेकिन अगली बार मैं चाहता हूँ हम सब सेलिब्रेट करने के लिए मिले। कौन सी सेलिब्रेशन माना? ना यथु का बर्थडे आ रहा है और ना हमारी एनिवर्सरी। सेलिब्रेशन के लिए मौके निकालने पड़ते हैं अक्कू। अगली बार हम सब मिलेंगे मेरे घर में हाउस वार्मिंग पार्टी के लिए। हाउस वार्मिंग पार्टी? आपको नहीं लगता कि आप काफी लेट बुला रहे हैं हमें इसमें? चलो देर आए दुरुस्त आए, हम जरूर आएंगे। बताओ कब आना है? मानव, उस माचिस की डिब्बी में सब लोग फिट भी नहीं होंगे। बंगलो तो हमें 6 महीने में मिलेगा। 6 महीने तक कौन इंतजार करता है यार, जब हम कुछ ही दिनों में अपने नए घर की हाउस वार्मिंग के लिए सबको बुला सकते हैं। मैंने विजयनगर में एक अप मार्केट कॉम्प्लेक्स में नया घर लेने का फैसला किया है। देखो मानव, मजाक मत करो। तुम सीरियस हो? ये था वो असली सरप्राइज। इनफैक्ट मैंने एक एस्टेट एजेंट को बुलाया है, यहां से हम सीधा उसके साथ नया घर देखने जा रहे हैं। आ राणे, एड्रेस मिला? सर मैं उनके घर के बाहर ही खड़ा हूं। हाँ तो राणे खड़े मत रहो, जल्दी से अंदर जाओ और मुझे गुड न्यूज दो। यस सर। जरूर वो एस्टेट एजेंट होगा, मैं दिखता हूं। आपके होते हुए बाहर से एजेंट बुलाने की क्या नीड थी? मुझे क्या पता, देखो तो कौन आया। संगिनी, आपकी नई चाबी आपके हाथों में है। संगिनी नाम के ताले को हमेशा हमेशा के लिए लॉक क्यों नहीं लगा देती आप? लाउडस्पीकर पे। हाँ संगनी बोलो। उत्कर्षा कहाँ हो तुम? 4 दिन से तुम्हें कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ। और उस आर्टिकल का क्या हुआ? मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है, मैं कुछ टाइम तक जॉब नहीं ज्वाइन कर पाऊंगी। अब तो मैंने वो प्रोजेक्ट कुछ दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया है। अब तुमसे बाद में बात करूँ? उत्कर्षा ओके बाय। हेलो थैंक यू सो मच, ये है आपका गुडी बैग। थैंक यू। ये आपके कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स और ये आपका फोन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अच्छा हुआ ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जो प्रॉब्लम पैसों से सॉल्व हो जाए वो प्रॉब्लम नहीं, एक डील होती है जो कहीं अटकी होती है राणे। एंड वैभव कपूर सील्स एवरी डील। हाँ मानव,
आपको करण ने जो एड्रेस दिया था पहुंच गया हूं। कहां हो तुम लोग? तुम्हें एंट्रेंस गेट दिख रहा है? हाँ हाँ हाँ, तो वहां से अंदर आ जाओ। क्या मंथली मेंटेनेंस चार्ज कितना होगा? यही 10,000 के आसपास होगा। इतना तो होता ही है, अब इतनी अच्छी सोसाइटी है तो। हाँ तो काम नहीं बेटा, हम बाद में घूमेंगे खेलेंगे। हाँ पहले काम करना कि तू फ्लैट देख ले, सेलेक्ट कर ले, बातें तो होती रहेंगी। हाँ वो तो मैंने बिल्डिंग एंटर करते ही अपना मन बना लिया था कि यही फ्लैट लेंगे। देखो ना, जहाँ एमिनिटीज इतनी क्लासी हो वहाँ फ्लैट कितने अच्छे होंगे। वो तो है, पर बस ना ये मंथली मेंटेनेंस चार्ज का पता करना होगा। 10,000 बहुत नहीं है? अब सोसाइटी भी देखो ना। हाँ वो तो है, चलो एग्जैक्ट अमाउंट पता करके आते हैं। ठीक है ठीक है। अरे यार मैं आता हूँ, तुम जाओ। हाँ मुझे डी विंग के कंस्ट्रक्शन की पूरी रिपोर्ट चाहिए। ओके सर। जल्दी। यस। आकांक्षा, आकांक्षा अवस्थी, राइट? जी, आप? मैं, मुझे नहीं पहचाना आपने? सॉरी, मैंने आपको कहीं देखा है पर मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ। आपको मैं याद नहीं हूँ और मैं आपको भुला नहीं पा रहा हूँ। कुछ कहा आपने? यही कि हम लोग मिले हुए हैं पहले भोपाल में, वो स्कूल में स्पेलिंग बी कॉम्पिटिशन, VIP पार्किंग, आप रिवर्स कर रही थी, गाड़ी ठोक दी थी, मैंने आपकी गाड़ी पार्क की थी अपने हाथों से, याद है? जी हाँ, बस वो दिन है और तब से बस बहुत ढूंढा मैंने आपको। क्यों 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 मतलब, जब से मैं आपसे मिला हूँ ना, तब से मेरी लाइफ में पहले जैसा कुछ रहा ही नहीं। मैं, मेरा दिमाग, मेरा दिल, मेरे रात, मेरे दिन, सब कुछ बदल गया। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।